ये सबसे छोटा चैप्टर है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमने लास्ट चैप्टर में एक्रुअल अजम्पशन पढ़ा था उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए बेटे, एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। एक्रुअल बेसिस जो आपने पहले पढ़ा था वो बोलता था कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लो जब वो हुई, चाहे आपको पैसे मिले हो या ना मिले हो। बट कैश बेसिस बोलता है कि ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी जब हमें कैश मिला या कैश पे करा। तो इस बेसिस को बोलते हैं कैश बेसिस, लेकिन पूरी दुनिया में जो चल रही है उसको बोलते हैं एक्रुअल बेसिस। तो हम कुछ इनके डिफरेंस के पॉइंट्स लिखेंगे। तो आप एक्रुअल बेसिस में लिखना, नंबर वन, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक्रुअल बेसिस पर हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब पैसे मिलेंगे या हम पे करेंगे तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन्ड। पूरी दुनिया एक्रुअल बेसिस इसीलिए फॉलो करती है क्योंकि इसी बेसिस से हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, लेकिन कैश बेसिस पे करेक्ट प्रॉफिट या लॉस इज नॉट असर्टेन्ड। जब हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो उससे हम सही प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं लगा सकते। इसके बाद तीसरी बात, एक्रुअल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, एक्रुअल बेसिस को मान्यता भी मिली हुई है कंपनीज एक्ट में, यानी कि कानून में, और सारी कंपनीज इस एक्रुअल बेसिस को ही फॉलो करती हैं, लेकिन कैश बेसिस को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। नो रिकॉग्निशन बाय कंपनीज एक्ट। इसके अलावा अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, एक्रुअल बेसिस इज मोर रिलायबल। बट कैश बेसिस इज लेस रिलायबल क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस भी सही नहीं आता, लेकिन एक्रुअल बेसिस सही प्रॉफिट या लॉस बताता है, इसीलिए वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो सारी दुनिया में जो फॉलो हो रहा होता है वो होता है एक्रुअल बेसिस। इसके अलावा लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आप लिखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने पहले पढ़ा था और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले पढ़ा था आर एडजस्टेड इन दिस बेसिस। हम एक्रुअल अकाउंटिंग करते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं, इन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में इन्हें हम रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। तो बेटे ये इस चैप्टर में था बस, जिसमें हमें दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने होते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर था। एक बेसिस होता है एक्रुअल बेसिस, जिसका मतलब होता है कि सारी ही ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड करनी है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट। लेकिन दूसरा बेसिस है कैश बेसिस, जो बोलता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सही प्रॉफिट या लॉस एक्रुअल बेसिस से आता है, कैश बेसिस से नहीं आता। और एक्रुअल बेसिस को कंपनीज एक्ट ने मान्यता दे रखी है, बट कैश बेसिस को नहीं दे रखी है। इसीलिए एक्रुअल बेसिस ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। और एक्रुअल बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में नहीं करते हैं। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में बस आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए एक्रुअल बेसिस और कैश बेसिस में। और सारी फॉलो जो करती है कंट्रीज, वो एक्रुअल बेसिस फॉलो करती है। तो ये जो हमने आज कवर करा था, ये चैप्टर नंबर 4 था। अब अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस का। थैंक यू।